दोस्तों, आज हम बात करेंगे आलसी व्यक्ति के बारे में। किस तरीके से आलसी व्यक्ति हमेशा दूसरे लोगों पर निर्भर रहता है और अपने ऊपर हो रही असफलता का सारा बोझ दूसरों पर डालता रहता है। अपने परिवार और खुद को हमेशा दुखी रखता है। इस बारे में आज एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो एक बार की बात है, एक गाँव में एक नरेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति हमेशा आलस करता था और कुछ भी काम नहीं करता था, बस इधर उधर से खाने की व्यवस्था कर लेता था। वह एक दिन जंगल में घूमने गया और उसने देखा कि एक लोमड़ी लंगड़ा कर चल रही है। उसने सोचा कि ये लोमड़ी जंगल में लंगड़ा के चल रही है और इसका एक पेट भी टूटा है, तो ये लोमड़ी अपने खाने का व्यवस्था कैसे करती होगी? इतने दिनों तक ये लोमड़ी जिंदा कैसे है और किसी ने इसका शिकार क्यों नहीं किया? इस घने जंगल में खाने के लिए मांस कैसे मिलता होगा? ये बात सोचते हुए वह लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा ताकि जान सके कि वो खाने की व्यवस्था कैसे करती है। कुछ देर चलने के बाद व्यक्ति को जंगल में एक सेब की दहाड़ सुनाई दी। वह डर गया और पेड़ पर चढ़ गया और छिप गया। उसने देखा कि सेब के मुंह में मांस का टुकड़ा है। वह उसके मुंह से उस मांस के टुकड़े में से एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। लोमड़ी ने उस मांस के टुकड़े को खा लिया। ये सब देखने के बाद व्यक्ति ने सोचा कि भगवान कितने दयालु है और लोमड़ी के खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अगर मैं भी पूजा पाठ करता हूँ तो मेरी खाने की व्यवस्था भी वो जरूर करेंगे। ये बातें सोचकर वो घर पहुंच गया। घर पहुंचकर वो व्यक्ति बैठ गया और इंतजार करने लगा कि भगवान उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे, और पूजा पाठ करने लगा। ये सोचते सोचते चार दिन गुजर गए, लेकिन उसे खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिलने की वजह से वो व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो गया। तभी उस व्यक्ति के घर के बाहर से संत गुजर रहे थे। संत को देखकर आदमी दौड़ा और उनसे अपनी आपबीती सुनाई। संत ने कहा कि भगवान तुम्हें इस घटना के माध्यम से एक बड़ी सीख देना चाहते हैं कि तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर की तरह बनना है, तुम्हें दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। आलसी व्यक्ति समझ गया और उसने आलस करना छोड़ दिया और वो धीरे धीरे एक धनवान और प्रसिद्ध आदमी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि आलस करने से हमेशा आपका बुरा ही होगा। एक आलसी और एक निर्भर आदमी कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो दूसरों पर आपकी निर्भरता छोड़नी पड़ेगी। आपके जीवन में सफलता का सारा बोझ आपको ही लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ या फिर उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। अगर आप ये सारी चीज़ें अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो आप भी एक सफल और एक प्रसिद्ध आदमी बन सकते हो। अगर आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।